वहीं फतेहपुर सीकरी में स्कूली बच्चों से भरी वैन रोड किनारे बने पानी के गड्ढे में गिर गई है। आसपास के लोगों ने दौड़कर बच्चों को सकुशल वैन से बाहर निकाला है और इसकी जानकारी पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली वैन मनीष पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। और आगरा से संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे क्या सुरक्षित है, क्योंकि पूरी वैन जो है वो पानी में गिर गई जाके और उसमें कई बच्चे सवार हैं। पूजा, बिल्कुल, बच्चे सभी 11 बच्चे सकुशल हैं। कुछ बच्चों को फीवर आया है, उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा था जो राहगीर और ग्रामीणों की मदद से टल गया। कह सकते हैं कि ग्रामीण लोग भगवान बनकर आए और जो गड्ढे में जो बस थी उसमें बच्चे फंसे हुए थे उनको निकाला और उनको गांव वालों ने आग के सहारे बैठा के उनको तपिश दी। यानी कह सकते हैं कि बच्चे जब भीग गए थे, कप कपा रहे थे ठंड से, तो उनको तपिश दी गई आग जलाकर। तमाम जो ग्रामीण थे मौके पर पहुंचे। पुलिस हालांकि घंटों बाद पहुंची, लेकिन ग्रामीण अगर नहीं होते तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा होता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। 11 बच्चे इस वैन में सवार थे, एक बस का चालक इस वैन में सवार था, जो इतना कह सकते हैं 12 फुट गहरा एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसी में ये बस जाके गिरी है। बस पूरी डूब गई थी, शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला, उसके बाद बच्चों के कपड़े उतार के आग जलाकर उनको तपिश के सहारे उनको ठंड से बचाया गया। कह सकते हैं तुरंत ही उनको राहत मिल गई, अगर राहत नहीं मिलती। अनिल, क्या ये ड्राइवर की लापरवाही है, क्योंकि पूरी बस इस वक्त हम देख रहे हैं कि पानी में डूबी हुई है, एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है बस चालक की, जबकि उसका कहना है कि उसे वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया, हालांकि जबकि गड्ढा बहुत बड़ा है और आप देख रहे हैं साफ तौर पर। इतना दलदल होने के बावजूद भी इस ड्राइवर ने उसको नहीं बचाया और सीधे गड्ढे में जा धंसी पूरी वैन, तो कह सकते हैं पूरी लापरवाही है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके कागजात से लेकर तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल बच्चे सभी सकुशल हैं। इससे कहीं ना कहीं परिवार से लेके स्कूल के लोगों को भी एक राहत है, क्योंकि एक बड़ा हादसा टला है। बच्चों को भेज दिया गया होगा उनके परिजनों के पास, और किस वक्त की यह घटना थी वैसे अनिल? देखिए, बच्चे सुबह अपने घर से स्कूल जा रहे थे, तभी ये लगभग 9 बजे की घटना है। 9 बजे के बाद जैसे ही बच्चों को बाहर निकाला राहगीरों ने, ग्रामीणों ने, उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई, परिवार के लोग सभी मौके पर पहुंचे। परिवार के लोगों ने आप देख सकते हैं जो बच्चे पानी में डूब रहे थे उनको निकालने के जो कवायद की गई है, वाकई भगवान बनकर आए हैं। यहाँ के ग्रामीण जो परिवार के लोग मान रहे हैं कि उन्हीं की वजह से बच्चे उनके सकुशल बचे हैं। शायद यही वजह है कि पुलिस प्रशासन से भी इन ग्रामीणों की बहादुरी के सम्मान के लिए बात कही जा रही है। बिल्कुल, इन गांव वालों की बहादुरी ही कहेंगे कि ये किस तरह से पेड़ों के सहायता से बच्चों को निकाल रहे हैं, और बच्चों के चेहरे पर साफ तौर से डर भी देखा जा रहा है अनिल, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें कपड़ों में लपेट दिया गया है। निश्चित रूप से वो पानी में जब डूबे होंगे तो उन्हें ठंड लगी होगी, मौसम बदल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि जो डर है वो चेहरे पर साफ तौर से दिख रहा है। बिल्कुल पूजा, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से कप कपा रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर वो जा चुके थे, बस पूरी डूब चुकी थी, शीशे तोड़कर उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद पूरे बच्चे भीगे हुए थे, कप कपा रहे थे, बच्चों को बाहर निकालकर आग जलाकर उनको तपिश दी गई, उनको अलाव के सहारे उनको बैठाया गया। तो कह सकते हैं ये ग्रामीणों की मदद के चलते ही पूरा एक बड़ा हादसा टला है, नहीं तो ये बड़ा हादसा होता तो बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टला है। ड्राइवर की लापरवाही जो कि एक बड़ी घटना यहां पर घट सकती थी, लेकिन यहां पर निश्चित तौर पे जो ग्रामीण है वो यहां पर भगवान बनकर कह सकते हैं कि इन बच्चों के लिए उतरे और बड़े ही तरीके से यहां पर इन बच्चों को बचा लिया गया, एक बहादुर कह सकते हैं इन तमाम ग्रामीणों को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल आपका अनिल, पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए।